ये वो स्प्लिट सीट जो आज मैं अपनी बाइक में इंस्टॉल करने वाला हूँ, और बाइकों में भी इसी टाइप से मिलेगी क्योंकि ऑलरेडी इसकी नोक जो है कंपनी ने छोटी स्प्लिट सीट इंस्टॉल होने के बाद में आप लुक देख सकते हैं मेरी बाइक का। तो वेरी वेरी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं ऑल द थिंग्स एट। दोस्तों, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझसे बार बार ये कह रहे हैं कि आप अपनी बाइक में स्प्लिट सीट इंस्टॉल करके दिखाओ। तो आज मैं अपनी बाइक में स्प्लिट सीट इंस्टॉल करने वाला हूं, और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखी ली, ये वो स्प्लिट सीट जो आज मैं अपनी बाइक में इंस्टॉल करने वाला हूं। चलिए फटाफट से इसकी इंस्टॉलेशन की वीडियो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाएं। दोस्तों, मैं इसी तरह की वीडियोस अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूं, तो ये वीडियो तो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है, बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, मैं कमेंटों के जवाब दे दे के थक चुका हूं। आज मेरे उन सभी दोस्तों का इंतजार खत्म हो जाएगा और वो पूरा प्रोसेस स्प्लिट सीट का देखने वाले हैं और उन्हें किस तरह से इंस्टॉल करना है। तो बिना देरी करते हुए चलिए वीडियो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये मैं स्प्लिट सीट्स खरीद के ले आया हूं, ये मैंने सेकंड हैंड परचेज किया। इसके कवर के डिज़ाइनिंग और नए सीट कवर मैं आपको बाद में बना करके दिखाऊंगा खुद से अपने हाथ से, जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा भी होगा, मैं अपने आप ही कवर वगैरह बना ले। और हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है दोस्तों, इसकी वैसे ज़रूरत तो आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कि आप इस सेंटर लॉक को लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते हैं। तो ये भी मैं बनवा के ले आया था एक्चुअली, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी चेचिस पे किसी भी तरह का कोई भी अलग से कोई काम ना करवाऊँ, ओके। लेकिन फिर भी मैं ये बनवा के ले आया आप लोगों को दिखाने के लिए। एक लॉक आपको ये ख़रीदना पड़ेगा, ये 70-80 रुपये का होगा, और इस तरह की एक लोहे की पत्ती जिसमें दो सुराख सेंटर में हो जाएंगे, ओके। और ये बीच में थोड़ा सा होल रहेगा क्योंकि इसके बीच में जो है हमारी इस सीट का ये वाला लॉक ओके, ये लॉक इसके अंदर जाएगा, तो ये हो सकता है यहाँ तक आए या अड़ने लगे इसलिए। और इसको दोस्तों मैंने थोड़ा सा ऊपर किया हुआ है, थोड़ा सा ऊपर इसलिए किया हुआ है क्योंकि मैंने अपनी वो सीट को अपनी बाइक की टेल को थोड़ा सा इंक्रीज़ किया था, तो बीच में गैप बन गया, तो गैप बनने की वजह से इसमें थोड़ा सा इतना स्पेस आया, तो इसको थोड़ा ऊपर रखने के लिए मैंने बीच में ये रबर के टुकड़े दो दे रख लगा रखे हैं, और ये लॉक मैंने इसके ऊपर इस तरह से टाइट कर दिया है, ओके। ये मैंने आज सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि आप अपनी चीज़ पे अपनी सीट के अकॉर्डिंग इस तरह से इस तरीके से बेल्ट करा दें, ओके। और तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, और मैंने कुछ दिनों तक अपनी बाइक को इसे इंस्टॉल करके यूज़ किया, और उसके बाद देखा तो मुझे इसकी ज़रूरत बिल्कुल ही महसूस नहीं हुई। जब बिना सेंटर लॉक के ही मेरी बाइक में कोई दिक्कत नहीं थी, तो मैंने फिर इसको इंस्टॉल नहीं किया, ना ही इसको मैंने बेल्ट कराया अपनी चेसिस में, बस लेके रख दिया कि अगर इन फ्यूचर में मुझे कभी ज़रूरत पड़े तो मैं इसे इंस्टॉल कर लूँ, ओके। हाँ दोस्तों, इन सीटों में मुझे थोड़ी सी कुछ अपनी कलाकारी करने की ज़रूरत पड़ी, वो है देख सकते हैं ये देखिए, ये रबर के टुकड़े हैं एक एक इंची मोटे, ओके। इन रबर के टुकड़ों का मैंने यूज़ अपनी बाइक की हैंडल बार में किया था, अपनी बाइक के हैंडल को थोड़ा सा ऊपर इंक्रीज़ करने के लिए, ओके। तो वही रबर की सीट है, ये एक एक इंची मोटे हैं, और ये कुछ इस तरह से चौकोर पीस काट करके मैंने एल्फी की हेल्प से इनको चिपका दिया यहाँ पे, ओके। देख सकते हैं ये एल्फी दिखा रही है आपको इसकी हेल्प से, ये मैंने कैसे चिपकाया है अभी मुझे इसमें भी यहाँ पर चिपकाना पड़ेगा दोस्तों, इस सीट में भी मुझे यहाँ रबड़ के टुकड़े चिपकाने पड़ेंगे। वो रीज़न ये है कि मैंने अपनी, अगर आपकी बाइक को आपने पीछे से टेल को जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिखाया है इंक्रीज़ नहीं किया है, तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सेंटर लॉक लगाना चाहें तो इस तरह से बनवा करके, ओके, आप किसी भी वेल्डर को दिखा दोगे कि मुझे ये लॉक इस तरह से, ये लॉक आप आफ्टर मार्केट खरीद लोगे, और इस तरह से ये वीडियो आप दिखा दोगे कि इस तरह से इसको सेट करना है, वो करके दे देगा आपको, ओके। तो इसमें भी मुझे यहाँ चिपकाना पड़ेगा दो रबड़ के टुकड़े, और वो दो रबड़ के टुकड़े मैं ले आया हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग, इन्हें मैंने डबल स्टेप से लगभग चिपका ही लिया था एक बार, लेकिन जब काम मैं कर रहा हूँ तो पक्का ही कर दूँ इसलिए। हालांकि ये चिपक तो सही से गए थे, लेकिन फिर मैंने इनको हटा दिया, और मैं इसलिए हटा दिया ताकि मैं इसको दोबारा से आप लोगों को चिपका के दिखा दूँ, ओके। तो इन पर आपको ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी सी रबड़ के गुटके चिपकाने की,
ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, ज़रूरत मुझे पड़ेगी क्योंकि मैंने अपनी बाइक की टेल को अपलिफ्ट किया हुआ है। तो चलिए मैं इसको चिपका के आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे चिपकाना है। आप ये थोड़े से गीले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये देख सकते हैं इसको, ये दो दो टुकड़े हैं, आधे आधे इंच, आधे आधे इंची के नहीं है, ये दो दो सूत के हैं, तो अब ये पौन इंची हो गया लगभग, ठीक है, क्योंकि पीछे की टेल हमने पौन इंची ही उठाई हुई है, तो उसकी वजह से जो मिडल का गैप है ना, मिडल का गैप लगभग एक इंची का बन गया दोस्तों। ये जब मैं इंस्टॉल करूँगा तब मैं आपको लोग दिखा दूँगा बिल्कुल परफेक्ट और फिक्स बैठा हुआ है। ओके, तो उसके बाद में अब इसको मैं चिपका के आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसे इसको मैं चिपकाऊँगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इस पर मैंने ये एल्फी लिया देख सकते हैं, और इस तरह से इस पर फैला दिया। ओके, और सीधे सीधे बस इसके ऊपर हमको से इस तरह से रख देना है। अब थोड़ी देर प्रेस करके रखना है दोस्तों, उसके बाद ये अपने आप ही ऑटोमेटिक चिपक जाएगा। चलिए ये हो गया। इसी तरीके से मैंने दोस्तों इस पर भी अपनी ये टुकड़े चिपका लिए थे, ये दो टुकड़े। ओके, तो अब क्या होगा, अब ये मेरी बाइक पर टेल पर इस तरह से इंस्टॉल हो जाएंगे। तो इसमें भी देख सकते हैं दोस्तों, एक ये लॉक है, बैक लॉक है, तो सिर्फ इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इसके लिए भी अपनी चेचिस में लॉक, सेंटर लॉक लगवाना ही पड़े, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, मेरे हिसाब से, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या चाहते हैं, लगवाना चाहते हैं या नहीं लगवाना चाहते हैं। ओके, एक चीज़ और दिखा दो दोस्तों, ये अगर आप पॉइंट देखें, यहाँ पे दो इस तरह से लंबे लंबे पॉइंट्स थे, ये देखें, है ना, ये इस तरह से लंबे पॉइंट थे, तो इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं लगा के देख चुका हूँ ऑलरेडी पहले से, वीडियो में बाद में लेके आता हूँ दोस्तों, पहले मैं यूज़ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ कि हाँ इससे कोई दिक्कत है या नहीं है, उसके बाद ही मैं ये वीडियोज़ लेके आता हूँ। ओके, तो अभी तक तो मुझे कोई इससे दिक्कत नहीं आई थी, और चलिए अब मैं आपको इसको इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। ओके, ये तो था जो चीज़ें दिखाने वाली वो मैंने आपको दिखा दी, अब चलिए मैं इसका इंस्टॉलेशन आपको दिखा देता हूँ अपनी बाइक में। ओके, तो दोस्तों देख सकते हैं ये है अपनी वो पल्सर 150 ट्विन डिस्क। ओके, बहुत टाइम से मैंने इसको वॉश नहीं करवाया बिकॉज क्योंकि बरसात का मौसम है, तो धुलवाने के बाद में ये फिर से वापस गंदी हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले हमें इसकी सीट खोलनी है, उसके बाद में फिर हम इस पर सीट इंस्टॉल करेंगे। ओके, चलिए कर लेते हैं इंस्टॉल अपने इस बाइक में स्प्लिट सीट। ओके, तो चलिए सबसे पहले तो मैं इसकी सीट खोल लेता हूँ, खुल जाएगी, इतना तो खैर आप लोग जानते हैं, और इसको रख देते हैं हम साइड में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक इसमें लॉक पीछे की तरफ यहाँ होता है, प्लस दूसरा हमें इस जगह पर, ये देखें ये निशान, आपकी सीट का ये निशान ऑटोमेटिकली चेसिस पर आ जाता है। तो अगर आप लॉक सेट करवाना चाहते हैं तो मैं दिखा देता हूँ, इस तरह से आपकी सीट चेचिस पर, ये देखिए है ना, ये अलग से है, ये यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल सेंटर में इस तरह से वेल्ड हो जाएगा। ओके, ये इस तरीके से अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने सोचा मैं क्यों वेल्ड करके अपनी इस चेचिस को ख़राब करूँ, तो मैंने इसको नहीं लगाया है फिलहाल, और अगर आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। प्लस ये जो जगह देख रहे हैं दोस्तों, इस जगह पर यहाँ पर दो रिंग होती हैं लोहे की, मतलब रिंग टाइप से कह लो, कुछ इस तरीके से बनी होती है, इस तरीके से। ओके, यहाँ पर और यहाँ पर इस तरीके से, जिसमें वो बैक सीट जो है अपनी स्प्लिट सीट का दूसरा हिस्सा जो पीछे का है, उसमें दो नक्के होते हैं, वो इस तरीके से उसमें फंस जाते हैं, तो फंसने के बाद वो ऊपर नहीं आते, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको सीट इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये रही अपनी वो सीट्स, सबसे पहले हम फ्रंट की सीट को इंस्टॉल करते हैं, ये देखिए, ये इस चीज़ को हम, ये जो देख रहे हैं ये वाला, ये यहाँ पर लगेगा इस जगह पर। ओके, और ये देखिए इस तरीके से देखते हुए, ये इस तरीके से ये देखते हुए हमें देखना है कि ये डाउन जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसको धकेल करके इस तरीके से, बस अब मैं आपको दिखा देता हूँ, वो देख सकते हैं आप लोग, ये जो रबड़ के पॉइंट्स मैंने जो लगाए हैं वो बिल्कुल सेम उसी जगह पर ही जा रहे हैं। ओके, ये बिल्कुल सेंटर का जो लॉक पॉइंट है, ये वाला, ये जो सेंटर का लॉक पॉइंट है, ये बिल्कुल यहाँ पे आ गया है, और ये रबड़ के बिल्कुल चेचिस के ऊपर आ गए हैं। ओके, देख सकते हैं आप लोग, तो अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे से यहाँ पर जो सीट के नीचे है, जो सीट के नीचे से है लॉक, जो मैंने दिखाया था, मैं फिर से दिखाता हूँ, ये लॉक, ये देखिए ये वाला लॉक,
ये इसके अंदर चले जाता है दोस्तों, इसके अंदर। तो कोई दिक्कत नहीं हमें अपनी, इस तरीके से हो गया। ओके, देन अब हमें पिछली सीट की ज़रूरत है। तो पिछली सीट जब हम इंस्टॉल करेंगे तो इसमें ऑलरेडी एक लॉक है, और अगर आपके पास नक्के हों, मतलब आपकी सीट के अंदर वो पॉइंट्स हों, तो आप यहाँ पे दो रिंग वेल्ड करवा सकते हैं। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वेल्ड करवा सकते हैं, वो कभी भी हटाए जा सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत ना हो तो उसको हटा भी सकते हैं आप, ठीक है। तो जब ये पिछली सीट ही हमारी नहीं खुलेगी तो अगली सीट खुलने का कोई मतलब ही नहीं है। और वैसे भी ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये इस तरीके से पिछली सीट को मैंने रखा है और ये है लॉक। ओके, ये देखिए, अभी मैंने लॉक लगाया नहीं है, ये देखिए। और ये मैं अब इस पर यहाँ से इस तरीके से बस, अब हम इसका देख सकते हैं आप, बिल्कुल सही सेट फिट बैठ चुकी है सीट हमारी, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने बताया था आपको जैसा कि ये थोड़ा सा डाउन हो जाएगा पहले के अकॉर्डिंग, ये डाउन है और ये थोड़ा सा नोक इसकी छोटी हो गई है। ओके, तो ये आपको वैसे भी और बाइकों में भी इसी टाइप से मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी इसकी नोक जो है कंपनी ने छोटी ही बनाई है पल्सर 150 के अकॉर्डिंग। लेकिन एक चीज़ और दोस्तों, इसकी जो आगे की सीट है ये आपको उस पुरानी वाली सीट के अकॉर्डिंग ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगी और ज़्यादा चौड़ी लगेगी, और बैठने में भी बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों इसमें। ओके, क्योंकि मैं इसको इंस्टॉल करके चला चुका हूँ, देख चुका हूँ यूज़ करके, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इसको इसके इंस्टॉलेशन के बाद में। ओके, चलिए अब इसका हम साइड पैनल भी लगा लेते हैं और फिर इसके बाद इसका लुक देखते। थोड़ा सा यहाँ पर अंधेरा है दोस्तों, इसकी वजह से हो सकता है वीडियो आपको क्लियर ना दिख रही हो, लेकिन स्प्लिट सीट इंस्टॉल होने के बाद में आप लुक देख सकते हैं मेरी बाइक का, ये देखिए। ओके, लुक बड़ा ही ज़बरदस्त हो गया है। बाकी अब मैं इसको वॉश करवाऊंगा, उसके बाद में इसका जो लुक होगा वो बिल्कुल ही फाड़ हो जाएगा दोस्तों। एक चीज़ और, मेरे बहुत से दोस्तों ने कहा कि आपने जब ये पीछे वाला मरगाड हटा दिया तो ये भी हटाए दो, तो इसलिए मैंने उसे भी रिमूव ही कर दिया। ओके, तो लेकिन दोस्तों इसका बेनिफिट, इसको रिमूव करने के बाद देखो आप इसकी हालत, देखो क्या हालत हो जाती है। और जब तक ये था लगा हुआ तब तक यहाँ पर कुछ भी गंदा नहीं होता था। इवन आप सस्पेंशन भी देख सकते हैं, शॉकर भी देख सकते हैं क्या हालत हो जाती है, चेन कवर का भी देख सकते हैं। तो जो बेनिफिट थे उसे लगाने के बाद, वो बेनिफिट अब ख़त्म हो गया उसको लगाने, उसको रिमूव करने के बाद में मरगार्ड मैंने रिमूव कर दिया। आप देख सकते हैं क्या हालत हो जाती है मरगार्ड की पूरे के अंदर से। एक चीज़ और मैं आप लोगों को दिखा दूँ दोस्तों, पहले मैंने यहाँ पे रबड़ के गुटके लगा रखे थे और हैंडल को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रखा था, लेकिन अब मैंने ये प्लेट लगा दी है और ये बड़ा नट लगा दिया। ऊपर से अब आप देखोगे तो कोई ये नहीं पहचान पाएगा कि ये मतलब मॉडिफाइड है या क्या है। ओके, बिल्कुल आपको पल्सर 180 का ही लुक मिलने वाला है। ओके, तो इसकी वीडियो भी मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगा, मैंने ये कैसे लगाया है, किस तरीके से लगाया है और क्या क्या मेरे को इसमें प्रॉब्लम्स आई, क्या मैंने और इसमें चीज़ें ऐड करी, फिर उसको रिमूव किया, तो ये सब चीज़ें मैं आपको अपनी अगली वीडियो में दिखाऊंगा। देख सकते हैं आप, लॉक सेट पहले मेरा ऊपर निकला हुआ था, अब मैंने बिल्कुल ही इसके लेवल में कर दिया है, तो अच्छा सा लुक आया। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और अगर आपका कोई सवाल हो तो मुझसे कमेंट करें, मैं आपको आपके कमेंट का जवाब दूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाएं। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में इसी तरह से कुछ नया लेकर, कुछ नई सोच के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सलाम और नमस्कार।